व्यवस्था है। देवल साहब, आप इस बात से तो बड़ी भली भांति परिचित होंगे कि खासतौर से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो राशि खासतौर से उन योजनाओं के लिए जो पारित की जाती उन योजनाओं में नहीं लग पाती, या तो उनकी पूर्ति कागजों में करके दिखा दी जाती है, या फिर बीच में बैठे हुए मध्यस्थ या दलाल कह सकते हैं उस पैसे को कहीं ना कहीं डाल देते हैं। ऐसे में सीटी देवल साहब कितने सतर्क है? देखिए, मैं इस मामले में पूरा सतर्क हूँ, मेरा पूरा अधिकारियों से संपर्क है, क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, इसलिए इन सारे तथ्यों की मुझे जानकारी है। और मेरे क्षेत्र में जो भी पैसा लगता है, जो भी काम होता है, उसको मैं पूरी सतर्कता से कराता हूँ। और मैं कम से कम मैंने एक मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बहुत मिनिमाइज कर दिया। कम तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैंने उसको इतना मिनिमाइज कर दिया है कि कोई अधिकारी आज चौड़े पांव करके पैसे नहीं दे सकता कि पैसे देने ही पड़ेगा, तो मैंने ये स्थिति बंद कर दी। इसी तरह जो निर्माण कार्य होते हैं, तो निर्माण कार्य के अंदर एमएलए या जो भी जनप्रतिनिधि वो पैसे खाने की कोशिश करता है, तो हमने ये कह दिया भाई हम न तो खाते हैं न खाने देंगे, हमारा काम पूरा होना चाहिए। मैंने मेरे पूरे क्षेत्र में व्यवस्था कर रखी है कि जहां भी सड़क बनती है खराब माल निकल टेलीफोन पर और उसके तत्काल हम शिकायत करते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। इसलिए हम सारी योजनाओं से, अब केंद्र से पैसे जो राजस्थान सरकार के पास में आवे वो सरकार नीचे देख नहीं दे, तो सरकार का धंधा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने विधानसभा में भी अकाल के लिए, मेरे वर्तमान में पाली जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं, तो मैंने पाली जिले के 242 गांव जिनको अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया उसके लिए हमने संघर्ष किया। हम मुख्यमंत्री से मिले, सारे अधिकारियों से मिले, लेकिन उन्होंने गिरदावरी का बहाना बनाकर ये व्यवस्था कर दी कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।